हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस नए वीडियो के अंदर। आज है 16 जून और 15 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जैसे एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे का मनाया गया या फिर गोल्डन ग्लोबल पीस इंडेक्स निकाला है अभी, कौन सा कंट्री सबसे शांत कंट्री है, पीसफुल कंट्री कौन सा है, वो उसके बारे में अपन देखेंगे। CICA शिखर सम्मेलन जो CICA समिट हुई है उसके बारे में देखेंगे। ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल ये भी असम के अंदर निकाला है, इसके बारे में अपन देखेंगे। मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल, तो ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स अपन आज डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट्स। सो पूरा वीडियो आखिर तक देखें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2019 किस दिन मनाया जाता है। अब यह आता है कि बात की एल्बिनिज्म होता क्या है, ठीक है। तो एल्बिनिज्म, इसमें एल्बिनिज्म क्या है, अपन ये मनाते क्यों हैं, क्योंकि है ना विश्व में क्या है जो भेदभाव होते हैं, तो जो एल्बिनिज्म के लोगों के साथ में जो भेदभाव होते हैं उनको जागरूक फैलाने के लिए इसके उद्देश्य से इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें दृष्टि दोष जैसे फोटोफोबिया, साफ दिखाई ना देना, एस्टिगमेटिज्म, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर एक्सेट्रा होने के आदि खतरे होते हैं। इसमें मिथ है, लोगों का भ्रम है कि ये तब होता है जब मछली और दूध एक साथ खा लिया जाता है, ठीक है। ये तो मिथ है, बट फैक्ट क्या है कि ये कब होता है एल्बिनिज्म, ये तब होता है कि जब मानव शरीर भोजन में मेलानिन, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो वहाँ पर एक मेलानिन आता है, टर्म आता है, ये एंजाइम है, भोजन को मेलानिन में चेंज करने में, परिवर्तन करने में विफल रहता है, तब ये एल्बिनिज्म होता है। और ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है कि अगर माता पिता में है तो बच्चों में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये कब मनाया गया एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया 13 जून को, ठीक है। और ये देखो ये है, इसमें क्या होता है कि है ना आँखों का जो ऊपर बाल होते हैं वो भी वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, स्किन का कलर भी सफ़ेद हो जाता है, बाल का कलर भी सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की कौन सी रैंकिंग है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है 141, मतलब सबसे पीसफुल कंट्री कौन सा है, फिर सबसे पीसफुल कंट्री है डेनमार्क, और ये जो इंडेक्स निकाला था ये 163 कंट्रीज की में निकाला था, जिसमें इंडिया की रैंक है 141 और डेनमार्क टॉप पोजीशन पे है। महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपको हमारा करंट अच्छा लग रहा है तो इसकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी, जिससे आप मंथ के एंड के अंदर या एग्जाम टाइम पे अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। तो उसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया, विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। अपन सबको अपना ब्लड दान करना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं जाता है, आपकी रिकवरी ऑलमोस्ट बहुत ही जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 8 जून, 15 जून, 14 जून या फिर नन। तो इसका आंसर है विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया था। अब आती है इसकी बात की इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी, अच्छा थीम मैंने आपको उसकी भी नहीं बताई, वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे की बताता हूँ आपको। इसकी थीम है सेफ ब्लड फॉर ऑल, ठीक है, सेफ ब्लड फॉर ऑल। और ये जो वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन था, उसकी थीम है स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में CICA शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तब ये CICA है, ये है क्या, ठीक है, ये है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, ये प्लेटफॉर्म देता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं या फिर रिजॉल्व कर सकते हैं जो भी रिमेनिंग, जो भी बची हुई या फिर न्यू प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ठीक है, कहाँ पे, एशिया के अंदर। तो एशिया के अंदर कोई भी नई प्रॉब्लम्स अगर है
और या फिर अराइज होने वाली है तो उसको अपन इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, CICCA शिखर सम्मेलन में। तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ तजाकिस्तान में। अच्छा, इसमें गया कौन था इंडिया की तरफ से? इसमें गए थे अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी, और उन्होंने वहाँ पे क्या कहा कि टेररिज्म ग्रेवेस्ट थ्रेट है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पीपल फेस इन एशिया, जो कि पीपल फेस कर रहे हैं एशिया के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ? तजाकिस्तान के अंदर। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे हुआ, तजाकिस्तान के अंदर हुआ, ठीक है, समझ में आ गया कुछ? CICCA शिखर सम्मेलन क्या होता है? तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं कि एशिया के अंदर क्या प्रॉब्लम्स अराइज होने वाली है या क्या प्रॉब्लम्स अभी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ई फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की स्थापना कहाँ पर की है? ऑप्शन है दिल्ली, राजस्थान, असम या फिर नन। तो इसका आंसर है असम। असम में केंद्र सरकार ने ई फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की है, ठीक है। अब ये ई फॉरनर्स है क्या? इसको अपन ने इम्प्लीमेंट किया है, इसको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे अक्रॉस द स्टेट, ठीक है, सभी स्टेट में। फॉर क्यों? क्योंकि इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रेजोल्यूशन ऑफ केसेस अपन बहुत ही मॉनिटर कर सकते हैं, उन पर निगरानी रख सकते हैं, और जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं अगेंस्ट फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, जो भी फॉरेनर्स के अगेंस्ट में जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं वो भी अपन आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उन पर अपन निगरानी भी रख सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? वही फिंगरप्रिंट्स हो गए या फिर उनके डेटा से अपन कलेक्ट कर रख सकते हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन डिटेक्ट कर सकें, पता कर सकें इलीगल जो माइग्रेंट हो रहे हैं ना, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल माइग्रेंट जो हो रहे हैं ना, जैसे आपको पता ही असम के अंदर बहुत ज़्यादा अभी ये इशू भी चल रहा था कि वहाँ से बोल रहे थे कि बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा पीपल्स है ना, बहुत ज़्यादा लोग असम में आकर बस गए, ठीक है, ये भी केस अभी चल रहा था। तो इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं अपन इसमें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फेसबुक ने हाल ही में भारत के किस स्टार्टअप में निवेश करने का फैसला किया है, ठीक है। इसका एग्जाम ऑप्शन है एग्जाम वॉच, रोहिणी, मीशो या फिर नन। तो फेसबुक ने किस में निवेश करने का फैसला किया है? फेसबुक ने किया है मीशो के अंदर, ठीक है। ये मीशो वैसे है क्या? ये है होम क्लीनिंग स्टार्टअप है, ठीक है ना, होम क्लीनिंग, घर को साफ सफाई का स्टार्टअप है। रूसी राष्ट्रपति ने किसको वादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले पूर्वी आर्थिक मंच के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ऑप्शन है ट्रंप, जिनपिंग, नरेंद्र मोदी या फिर नन। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। जो रूसी राष्ट्रपति सबको पता है, ये रशिया के प्रेसिडेंट है, रशिया के राष्ट्रपति हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है वादिवोस्तोक में, जो आयोजित होगी पूर्वी आर्थिक मंच के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को अभी फर्जी बैंक खातों के लिए हिरासत में लिया गया है? ऑप्शन है इमरान खान, परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी या फिर नन। तो इसका आंसर क्या होगा कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति कौन? आसिफ अली जरदारी को फर्जी बैंक खातों के लिए हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान सब जानते हैं अपने नेबर कंट्री है, और उसके पीएम कौन है? इमरान खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलबर्न में आयोजित होने वाले 10वें फिल्म फेस्टिवल में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन है रवीश कुमार, राहुल गांधी, शाहरुख खान या फिर नन। तो मेलबर्न में जो आयोजित होंगे होने वाले 10वें फिल्म फेस्टिवल के मुख्य अतिथि हैं शाहरुख खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णीकरण के लिए पूर्वोत्तर में किन राज्यों में योजना का शुरू होगा, ठीक है, किन राज्यों में योजना शुरू होगी पूर्वोत्तर में, ठीक है ना। पहले ऑल इंडिया की नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में तो हुआ ही था, अभी पूर्वोत्तर में भी स्टार्ट होने के लिए वर्णीकरण के लिए योजना शुरू होगी। अब ये वर्णीकरण है क्या? वर्णीकरण मतलब ये है कि वृक्षारोपण करना, ठीक है ना, वृक्षारोपण करना, उसमें हेतु सहायता करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर नन। तो इसका आंसर है त्रिपुरा मिजोरम जो पूर्वोत्तर का राज्य है वहाँ पर वर्णीकरण की योजना शुरू होगी, ठीक है। तो आप अगर आप सारे करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपके लिए एक रिवीजन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं, ऑप्शन है रघुराम राजन, कस्तूरी रंजन
या फिर नन या फिर मृत्युंजय महापतक। तो इसका आंसर आपके सामने है कि मौसम भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक पद पर मृत्युंजय महापतक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके लिए कि भाई हमारे भारतीय सेना युद्ध अभ्यास के में हमने आपको बिल्कुल ट्रिक्स के साथ में आपको याद कराया। और ये युद्ध अभ्यास जो दो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको ज़रूर देखें। एक बार देखने के बाद तो आप दोबारा आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड फॉर्मूले हैं, रासायनिक सूत्र हैं जो भी हमने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, इनको भी आप देख सकते हैं और अपने साइंस का जो पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाना है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। तो ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।